तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको ये गिवन है कि मान लो एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें बॉब की डेंसिटी गिवन है और लेंथ इसकी एल है, तो अगर इसे मूव करवाएं तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होगा, पॉइंट नंबर 1 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सिंपल पेंडुलम का ये टाइम पीरियड है। क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि अगर सपोज करो इस पेंडुलम को मैंने किसी लिक्विड में डाल दिया सच दैट लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, बॉडी की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो ये बताओ इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। पहला रूल, जब ये बॉब पानी में जाएगा इसका वेट क्या है, एम जी, एक्चुअल वेट एम जी है, पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट, तो नया वेट इसका क्या हो जाएगा, एम जी माइनस अप थ्रस्ट। मास तो चेंज होता नहीं, तो कहां अफेक्ट आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो जी डैश हो गया। तो अगर मैं आपको जी डैश की वैल्यू बता दूं तो आप मुझे नया टाइम पीरियड बता दोगे, आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, जी डैश। ठीक है, यहां तक मेथड समझ में आ रहा है कि कहां फर्क पड़ने वाला है, वेट चेंज होगा। तो देखो ये आपने बता ही दिया, जो नया वेट है वो इसके इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान से वैल्यूज देखना मैं कैसे पुट कर। वैल्यूज में मास का मतलब बॉडी का वॉल्यूम अगर वी है इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये मास किसका, बॉब का मास है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉब वी मान लो, डेंसिटी ऑफ बॉब इनटू जी डैश, एक बार फिर से वी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉब इनटू जी सेम, माइनस अप थ्रस्ट का मतलब होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ लिक्विड में वॉल्यूम क्या होगा लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, जितना बॉब का वॉल्यूम है, पूरे का पूरा तो पानी में चला गया, तो पानी का डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और बॉब का वॉल्यूम सेम है, वी आएगा। लेकिन अप थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं, हमेशा लिक्विड की, लिखवाया था डेंसिटी हमेशा लिक्विड की इनटू जी। स्टेप्स क्लियर है यहां तक, यही इंपॉर्टेंट है। मास में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, मास में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, अप थ्रस्ट में लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो वी 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 कैंसल, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी ऑफ बॉब माइनस सिग्मा इनटू जी बाय रो ऑफ बी। इसको उठा के यहां पुट कर दें तो टाइम पीरियड का आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय, ये लो आंसर। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसे लिफ्ट की प्रॉब्लम थी ना, कभी भी आ जाती है, मतलब क्वेश्चन कुछ और चल रहा है, लिफ्ट आ गई, लिफ्ट में डाल दो जी सिस्टम, जी डैश निकाल दो क्या होगा, ऐसे ही ये बार बार। अब क्वेश्चन चैप्टर कुछ चल रहा होगा, कहेगा उठा के ना, स्प्रिंग चल रहा होगा, स्प्रिंग को पानी में डाल दो, पेंडुलम चल रहा है पानी में डाल दो, कुछ भी चीज पानी में डाल दो, अब जी डैश के अंदर इफेक्ट्स आ जाएंगे, हर में यही लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज होता हुआ दिखेगा। तो समझ में आ रहा है कि जी डैश कैसे चेंज करना है।